हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपमास वर्ल्ड। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ अपनी बहुत ही प्यारी सी डिलीशियस सी डिश, जिसको मैं मटर टिक्की के नाम से जानती हूँ और इसको मुंबई में फेमस रगड़ा पैटीज़ के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मैंने इसको छोले टिक्की नाम दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी सी डिश है और बहुत ही सिंपल से तरीके से मैंने इसको बताया है। और ये है मेरी फेमस मटरा टिक्की की बहुत ही प्यारी सी डिश। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको बताना दिखाऊँ। ये देखिए, हम सबसे पहले एक बाउल मटरा ले लेंगे। इनको सफ़ेद मटरा बोलते हैं, ये कुछ इस तरह के होते हैं। इनको ओवरनाइट सोक करके रखना है, तो मैंने ये पहले से ऐसे ओवरनाइट सोक करके रख लिए हैं। ये देखिए, मैं आपको फ़र्क दिखाती हूँ आपको इनका। ये देखिए, इसमें एक बाउल पानी ऑलरेडी है, तो जितना बाउल हमने चने लिए हैं, मैंने ऑलमोस्ट डेढ़ बाउल चने लिए हैं, तो मैं उसके हिसाब से उसका डबल पानी डाल दूंगी इसमें। तो ये देखिए, ऑलमोस्ट जो जैसे मैंने राजमा में बताया था इतना पानी लेना होता है हमें, तो इसमें भी हमें इतना ही ऊपर पानी लेना है उसका। तो हम गैस का फ्लेम कर देंगे लो, और इसको लो मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने तक हम इसको बॉईल करेंगे। तो इधर मैंने ले लिया है ये न्यूट्रीला, एक छोटा कप न्यूट्रीला, आधे घंटे के लिए बिल्कुल गर्म पानी में सोक करने छोड़ देंगे। तो ये देखिए, हमारी सोयाबीन की बड़ियाँ किस तरह से फूल के डबल हो चुकी हैं। इस तरह से ठंडा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से वॉश करेंगे। तो इस तरह से हम एक स्ट्रेनर में इसको डाल लेंगे और लगातार ऐसे पानी डालते हुए और अच्छे से मैश करते हुए इसको वॉश करेंगे। तो ये देखिए, अब हमने इस तरह से एक छोटा सा बाउल, आधी बाउल हमने पोहा ले लिया है, उसको भी हमें सिर्फ वॉश करना है, भिगो के नहीं रखना है। और ये देखिए, ये मैंने अपना न्यूट्रीला को अच्छे से स्क्वीज़ करके चॉपर में चॉप कर लिया है, कितना फाइन चॉप हो गया है। तो ये देखिए, ये लेंगे हम एक बड़ा चम्मच नमक, 3 से 4 पिंच हींग, 1 टीस्पून है अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ये लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, और ये हमारा चॉप्ड सोया बड़ी है, और ये हमारा सोक किया हुआ पोहा है। तो अब हम यहाँ पर टिक्की की बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने इस तरह से मीडियम साइज़ के 7 से 8 आलू लिए हैं, इनको अच्छे से क्रश कर लेंगे हम। और ये जो मैंने क्रश्ड सोयाबीन की बड़ियाँ ली हैं वो भी ऐड कर देंगे हम। अब इस तरह से मैं ये 2 ब्रेड की स्लाइस ले लूँगी और एक ग्रेटर की हेल्प से इसको ऐसे ग्रेट कर लूँगी। तो अब मैं डालूँगी यहाँ 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डालें, और ये डाल दूँगी मैं 2 पिंच हींग। साथ ही मैं डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ ही मैं ऐड कर लेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती। तो इस तरह से अब हम अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, और ये थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ऐसे लेंगे अपनी टिक्की का, और इस तरह से गोल गोल बना के रेडी कर लेंगे सारी टिक्कियाँ अपनी। तो इस तरह से देखिए, हमारी सारी टिक्कियाँ बन के रेडी हो गई है। अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देंगे और हम अपना चलते हैं छोले को छोकने अपने। अब उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल, 2 पिंच हींग, 1 टीस्पून अजवाइन पाउडर। अब हम ये हमने 1 हरी मिर्च और क्रश्ड अदरक ले लिया है, उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर। थोड़ा सा पानी डाल के भूनेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। अब ऑयल की थी वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। हम इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे। तो अब हम अपनी टिक्कियाँ सेल्फ फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। अपने पैन में ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल और अपनी टिक्कियाँ इसमें सेट कर देंगे।
तो इनको भी बस इसी तरह से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक, जिस तरह से हमने ये किए अपनी रेडी, इसी तरह से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। ये देखिए छोलिया भी हमारा अच्छे से बन गया है, मटरा कहते हैं जिसको, मटरा भी कहते हैं, छोलिया भी कहते हैं। इसको हम गार्निश कर लेंगे धनिया पत्ते से। ये भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, तो मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। इस तरह से हम दो से तीन टिक्कियाँ लेंगे, इनको सब क्रश कर देंगे। इसके ऊपर डालेंगे हम अपने मटरा। ये बेसिकली मुंबई की एक फेमस स्ट्रीट फूड है, जो कि वहाँ पे बहुत ही फेमस है। इस पर हम डाल देंगे अपनी ग्रीन चटनी, थोड़ी सी हमने जो खट्टी मीठी लाल चटनी बनाई है वो डाल देंगे इसके ऊपर। और जीरा भुना हुआ, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़े से धनिया पाउडर, धनिया पत्ती। इस तरह से ये हमारा रगड़ा पटीज तैयार है। इसको मटरा टिक्की की सब डिश भी कहते हैं, और बम्बई में इसको सबसे फेमस स्ट्रीट फूड रगड़ा पैटीज के नाम से जाना जाता है। आई होप आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये डिश कैसी लगी।